असलम एवरी वन वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फेशियल स्पेसिज ऑफ द हैंड फेशियल मीन नॉट फेस रिलेटेड फेशियल मीन फेशिया ठीक है इसमें ऐसा आर है सो ये फेशिया वाला है फेशियल ठीक है फेशियल स्पेसिस ऑफ हैंड द अरेंजमेंट ऑफ द फेशिया एंड द फेशियल सेप्टा इन देंड इन सच दैट मैनी स्पेसिस आर मैनी स्पेसिस आर फॉर्म्ड क्या होता है कि जो फेशिया है या फेशिया की जो डिवीजन सेप्टा है फेशियल सेप्टा वो कुछ इस तरह से अरेंज होती हैं हैंड के एरिया में और रिस्ट के एरिया में क्या होता है कि वो क्या बना देती हैं स्पेस बना देती हैं ठीक है स्पेसिस बन जाती हैं सो इन स्पेसिस हम कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं सो so इसकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस भी होनी चाहिए उसकी क्या है सर्जिकल इम्पोर्टेंस है इन स्पेसिस की ठीक है दे मे बी मीन स्पेसिस मे बी इन्फेक्टेड एंड डिस्टेंडिड विद पस क्या होता है कि ये जो स्पेसिस हैं जो फेशिया है फेशिया फेशिया और फेशिया के जो सेप्टा हैं जब ये कंपार्टमेंट्स बनाते हैं तो स्पेसिस बनती हैं और स्पेसिस में क्या होता है समटाइम पस जो है वो हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है सो so, इनकी सर्जिकल इंपॉर्टेंस है इनको हम कट करके मीन हम लोग कट लगाएंगे और जो पस वग़ैरह उसको रिमूव करेंगे सो so, इनकी ये सर्जिकल इंपॉर्टेंस है इन स्पेसिस को अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है तो ही हम लोग इनकी सर्जिकल मेथड से पस को रिमूव कर पाएंगे ठीक है सबसे पहले हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ स्पेसिस हैं यहाँ पे पामर स्पेसिस हैं dorsal स्पेसिस हैं एंड फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना जो पामर स्पेसिस हैं मेन पाम के एरिया में आएंगी ठीक है इस इस जो हमारे पास वेंट्रल एस्पेक्ट है हैंड का ये वाला पोर्शन इसमें आएंगी ठीक है सबसे पहले आ रही है पल्प स्पेस ऑफ फिंगर पल्प कहाँ होती है फिंगर की फिंगर आ रही है ये हमारे पास फिंगर्स हैं ठीक है फिंगर का पल्प वाला पार्ट ये जो टिप पे फ्लैशी पार्ट होता है डिस्टल फैलिंग्स के ऊपर हमारे पास तीन फैलिंग्स होती हैं प्रोगिमल मिडल एंड डिस्टल थम में दो फैलिंग्स होती हैं मिडल नहीं होती प्रोगजिमल एंड डिस्टल होती है ठीक है जो डिस्टल फैलिंग्स है उसके ऊपर जो फ्लैशी पार्ट है उसको हम बोलते हैं पल्प ठीक है सो so ये जो पल्प है ये जो फ्लैशी पार्ट है ये हम मैंने डिजिटल फैलिंग्स बनाई है इसका जो ये टिप वाला पार्ट है वहाँ पर यह स्पेसिज होंगी पल्प स्पेस ऑफ फिंगर मिड पामर स्पेस कहाँ होगी पाम के मिड में यहाँ पर होगी ठीक है मिड पामर स्पेस थिनार स्पेस क्या कहाँ होगी ये जो थिनार एमिनेंस है इसके बिलो होगी इस एरिया में ठीक है थिनार स्पेस होगी ये तीन होगी हमारे पास पामर स्पेसिस अब हम देखेंगे डोरसल स्पेसिस डोरसल स्पेसिस ये तो वेंट्रल साइड की थी ना इंटीरियर आस्पेक्ट की हैंड के अब ये डोरसल स्पेसिस होंगे जिसमें आएगी डोरसल सबक्यूटेनियस एंड डोरसल एपोन्यूरोटिक स्पेस सबक्यूटेनियस बिल्कुल स्किन के नीचे है डोरसल साइड सबक्यूटेनियस एक तो सबक्यूटेनियस है स्किन के नीचे दूसरी एपोन्यूरोटिक मीन जो एपोन्यूरोसिस है दिस इज एपोन्यूरोटिक दिस सॉरी दिस इज सबक्यूटेनियस दिस इज एपोन्यूरोटिक जो बोन के साथ या एपोन्यूरोसिस के साथ है, या उसकी वजह से बन रही है वो होगी डोरसल एपोन्यूरोटिक स्पेस दो तो होगी अब डोरसल एस्पेक्ट की ठीक है एक और होती है फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना ये एक ही स्पेस होती है जो यहाँ पर होती है इन द लोअर पार्ट ऑफ दि फोर आर्म जस्ट अबव द रिस्ट अप्रॉक्जिमल टू डिस्टल जाएं तो ये तो अपर पार्ट है जो एल्बो के पास है फोर आर्म का ये अपर पार्ट है और जो रिस्ट वाली साइड पे आ रहा है वो फोर आर्म का पार्ट यह लोअर पार्ट ठीक है लोअर पार्ट फोर लोअर पार्ट ऑफ द फोर आर्म एंड जस्ट अबव द रिस्ट रिस्ट के ऊपर है लेकिन लोअर पार्ट है फोर आर्म का मीन इस एरिया पर हमारे पास कौन सी होगी फोर आर्म स्पेस ऑफ पैरोना अब हम देखेंगे पामर स्पेसिस को डिटेल में जिसमें हमारे पास आ रही थी पल्स पल्प स्पेस ऑफ फिंगर मेटपामर स्पेस और थिनार स्पेस सबसे पहले आती है हमारे पास पल्प स्पेस और फिंगर पल्प हमने देख लिया कहाँ पर होता है डिस्टल फैलिंग्स के ऊपर जो फ्लैशी पार्ट है फिंगर फिंगर finger का फिंगर्स का ठीक है वो क्या है हमारे पास पल्प ऑफ द फिंगर उसमें क्या होता है कि इट कंटेन सबक्यूटेनियस फैट इन टाइट कंपार्टमेंट्स फॉर्म बाय सेप्टा जो फेशिया के सेप्टा हैं फेशियल स्पेसेस है ना फेशियल के जो सेप्टा है वो क्या बनाते है? हैं टाइट कंपार्टमेंट्स बनाते हैं जिसमें क्या होती है हमारे पास सबक्यूटेनियस फैट होती है मीन इसमें क्या है फैट है ठीक है टाइटली पैक है इसके अंदर फैट ठीक है ये है सेप्टा और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है फैट पल्प स्पेस है ये और ये फाइब्रस सेप्टा है ग्रीन कलर में और ये रेड कलर में क्या आ रही है हमारे पास डिजिटल आर्टरी है जो इस डिजिटल फैलिंग्स को सप्लाई कर रही है ठीक है नेक्स्ट उसकी ब्रांचेज हैं ये क्या है हमारे पास इतना पार्ट शेफ्ट का है डिजिटल फैलिंग्स का और ये क्या है बेस ठीक है ब्रांच ऑफ ब्रांच ऑफ शेफ्ट ऑफ ब्रांच टू दी शेफ्ट ऑफ डिजिटल फैलिंग्स ब्रांच टू दी बेस ऑफ डिजिटल फैलिंग्स मीन इस डिजिटल आर्टरी की जो ब्रांचेज हैं जो हमारे पास शेफ को सप्लाई कर रही हैं वो ब्रांचेस हैं जो डिस्टल फैलिंग्स की शेफ को जा रही हैं और जो हमारे पास बेस को आ रही हैं वो ये वाली हैं ठीक है थीके? इनकी नेक्स्ट हम क्लिनिकल में देखते हैं इंपॉर्टेंस इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास इन स्पेसिस के अंदर पस आ जाती है या कोई भी इन्फेक्शन आ जाती है तो उससे क्या हो जाता है विटलो हो जाता है विटलो क्या है पस इन दी स्पेसिस काज थ्रोबिंग पेन इससे क्या होता है हमें थ्रोबिंग पेन होती है एंड विटलो में लेड 2 necrosis in the 4 fifth of the phalanx. विटलो से क्या होगा कि जब स्वेलिंग होगी इन्फेक्शन होगा स्वेल हो जाएगा वो पार्ट सो वहाँ पे जो आर्टरी है उसकी ओक्लूजन हो जाएगी जब आर्टरी की ओक्लूजन होगी तो वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी नेक्रोसिस क्या होता है सेल डेथ जब ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी यानी ये पार्ट जब स्वेल हो जाएगा तो इसकी ओक्लूजन होगी आर्टरी की जब आर्टरी की ओक्लूजन होगी तो यहाँ पे नेक्रोसिस मीन सेल डेथ मसल वेस्टिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी ठीक है क्या चीज़ें होती हैं विटलो की वजह से एक तो हमें थ्रोबिंग पेन होती है दूसरा क्या होता है कि फोर फिफ्थ ऑफ फैलिंग्स में नेक्रोसिस हो जाती है अब फोर फिफ्थ ही क्यों आ रहा है ठीक है टोटल जो है हमने इसके फाइव कंपार्टमेंट्स बनाए फोर जो है वो शैफ्ट में आ गए वन फिफ्थ जो है वो बेस में आ गया ठीक है इसमें हम देखें वन फिफ्थ में तो कोई भी ग्रीन कलर का सेप्टा नहीं है जो फोर फिफ्थ है उसमें सेप्टा आ रहे हैं ठीक है सो so, सेप्टा में इन्फेक्शन होगा फोर फिफ्थ में उसकी वजह से ओ होगी तो क्या होगा नेक्रोसिस होगी इसमें भी इसमें क्या है कि ना तो हमारे पास सेप्टा है ना तो ना ही हमारे पास ओक्लूजन होगी ना इन्फेक्शन होगा और ना ही यहाँ पर नेक्रोसिस होगी वन फिफ्थ में सो so, ये इंपॉर्टेंट है फोर फिफ्थ का वर्ड ठीक है फोर फिफ्थ में क्यों होती है सेप्टा है सेप्टा में ही जो जितनी आर्टरी का पार्ट आ रहा है उसकी ओक्लूजन होगी और उसी पार्ट की वजह से उतने ही पार्ट में फोर फिफ्थ में नेक्रोसिस हो रही है ठीक है ये था हमारे पास फिट लो अब इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे इसको हमने कैसे ठीक करना है इसके लिए हम करेंगे लेटरल सॉरी दिस इज मीडियल ये थम वाली साइड है सो हर फिंगर जिस जिस में हमारे पास आ रहा है विटलो उसकी लेटरल साइड पे इतने पार्ट में हम लोग इन्सीजन्स लगाएंगे इन इससे क्या होगा कि ओपन कंपार्टमेंट्स टू टू रिमूव पस इस तरह से सेप्टा है साइड साइड पे सो जब हम यहाँ से इन्सीजन लगाएंगे तो यहाँ से ओपन हो जाएंगे कंपार्टमेंट्स और इंसीजन रिमूव हो जाएगी तो आर्टरी से क्या होगा प्रेशर या ओक्लूजन या कंप्रेशन जो भी हो रही है वो हट जाएगी और नेक्रोसिस से भी हम बच जाएंगे ठीक है सो ये इसका ट्रीटमेंट था लेटरल इन अब लेट्रल ही क्यों हम ऊपर भी तो लगा सकते हैं ऊपर हम क्यों नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पर टैक्टाइल सेंसेशन होती हैं हमारी टिप पे ठीक है यहाँ पर नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं अगर यहाँ पर हम कट लगाएंगे तो वो एंडिंग्स या नर्व्स डैमेज हो जाएंगी और हमारा सेंसेशन टेक्टाइल सेंसेशन लॉस हो जाएगा ठीक है सो so हमें हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना है लेट्रल साइड पे हमें इन लगानी है मेन जो है हमारे पास पामर स्पेस के अंदर जो पल्प स्पेस है उसका क्लिनिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट आती है हमारे पास मीट पार्टी समस पेशन थिनार स्पेस मीड पामर स्पेस हमने देखा दिस इज मीड पामर स्पेस ये है हमारे पास लेटरल साइड थंब वाली साइड है थिनार एमिनेंस लेटरल साइड पे होती है ये है हाइपोथिनार एमिनेंस ये कौन सी साइड है मीडियल साइड दिस इज हाइपोथिनार एमिनेंस ठीक है सो मीड पामर स्पेस कहाँ होगी उसकी हम उसके कुछ करैक्टेरिस्टिक्स देख लेते हैं शेप कैसी है उसकी वो ट्रायंगुलर है ठीक है देखें तो ये क्या है इस तरह से ट्राइंगर है ठीक है ट्राइंगर है हमारे पास सिचुएशन इसकी क्या है ये कहाँ पर होती है इन द इनर हाफ ऑफ दी पाम होलो पामी ये जो इनर हाफ है पाम का इनर हाफ उसके अंदर प्रेजेंट है उसके अलावा इसकी प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सटेंशन देख लें मीन कहाँ से कहाँ तक ये एक्सटेंड करती है तो क्या है प्रोगजिमली इसके क्या होगा डिस्टल मार्जिन ऑफ फ्लेक्जरेटिनाकुलम ये क्या होगा प्रोगिमल होगा और ये डिस्टल होगा ठीक है प्रोग्जिमल क्या होगा डिस्टल मार्जिन ऑफ फ्लैक्जेरेटिनाकुलम यहाँ पर फ्लेक्जेरेटिनाकुलम है ये फ्लेक्जर उसकी प्रोग्जिमल मार्जिन है ये डिस्टल मार्जिन है डिस्टल मार्जिन कहाँ क्या बनाएगी प्रोगजिमल बाउंड्री बनाएगी इसकी मिड पामर स्पेस की ठीक है और डिस्टल बाउंड्री कौन बनाएगी डिस्टल पामर क्रीज ठीक है दिस इज डिस्टल पामर क्रीज़ ये बनाएगी इसकी डिजिटल डिजिटल मार्जिन इसकी बनाएगी ठीक है थिनार स्पेसिस ये थिन थम वाली साइड पे आ रही है थिनार स्पेस ठीक है ये भी क्या होती है हमारे पास ट्राइंगर होती है और इसकी सिचुएशन कहाँ है आउटर हाफ ऑफ दी होलो ऑफ दी पाम ये कहाँ थी इनर हाफ ऑफ दी होल ऑफ दी पाम ये क्या कहाँगे आउटर हाफ ऑफ दी होलो पाम ठीक है उसके अब हम देखेंगे प्रोक्जिमल एंड डिस्टल इसके प्रोक्िमल क्या है सेम वैसे ही जैसे फ्लैक् रेटेनाकुलम इसमें आ रहा है उसकी डिस्टल मार्जिन इसमें भी डिजिटल मार्जिन आ रही है फ्लैक् रेटेनाकुलम की ठीक है ये है हमारे पे हमारे पास ये दिस इज थिनारामिनस ठीक है सो उसके प्रोक्िमल ये फ्लेक्सरेटिनाकुल आ गया डिस्टल क्या होगा प्रोक्िमल पामर क्रीजिज ठीक है दिस इज प्रोक्मल प्रोक्जिमल पामर क्रीजिज प्रोक्मल पामर क्रीज क्या बनाएगी इसकी डिज्टल मार्जिन बनाएगी थिनारामिनंस की अब हम देखेंगे डोरसल स्पेसिस को और फोर आर्म स्पेस ऑफ पैरोना ठीक है फोर आर्म स्पेस ऑफ पर होना सबसे पहले आती है डोरसल स्पेस और डोरसल स्पेस में हमारे पास कितनी स्पेसिस आती हैं टू स्पेस आती हैं डोरसल है, सबक्यूटेनियस एंड डोरसल एपोन्यूरोटिक डोरसल क्यों है क्यों क्यों है क्योंकि डोरसल एस्पेक्ट ऑफ हैंड पे हम इसको देखेंगे जो हमारे पास स्किन है डोरसल साइड की वो क्या होती है लूज स्किन होती है सो तो जो डोरसल सबक्यूटेनियस होती है सबक्यूटेनियस बिल्कुल स्किन के बिलो ठीक है इमीजिएटली डीप टू दी लूज स्किन लूज स्किन के बिल्कुल जो इमीजिएटली बिलो होती है डीप होती है वो कौन सी होती है डोरसल सबक्यूटेनियस ये क्या है ब्लैक में अगर हम देखें स्किन है तो स्किन स्किन के बाद कौन सी आ रही है डोरसल सबक्यूटेनियस स्पेस ठीक है इस डायग्राम में हमने कितनी स्पेसिस देखी हैं पहले हमने मिड पामर देखी है थिनार देखी है ठीक है इसके बाद हम देखेंगे डोरसल सबक्यूटेनियस और डोरसल एपोन्यूरोटिको डोरसल सबक्यूटेनियस होगी जो इमीजिएटली डीप टू द स्किन है नेक्स्ट है डोरसल एपोन्यूरोटिक बिटवीन द मेटाकार्पल बोन्स एंड दी एक्सटेंसर टेंडन्स जो हमारे पास मेटाकार्पल बोन्स हैं ये जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया है इस तरह से इस तरह से ये जो फाइव बोन्स आ रही है ना ब्लैक में कौन सी है मेटाकार्पल बोन्स है ठीक so, है यहाँ से क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है सो जो मेटाकार्पल बोन्स हैं उनके दरम्यान और जो एक्सटेंसर टेंडन्स है उनके दरमियान जो एपोन्यूरोसिस आ रहा है उसके बाद कौन सी उस वहाँ पर क्या है हमारे पास डोर्सल एपोन्यूरोटिक स्पेस है ठीक है ये होगी डोर्सल स्पेसिस अब देखेंगे फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना जो यहाँ पर प्रेजेंट है लोअर पार्ट ऑफ द फोर आर्म में और अबव द रिस्ट ठीक है क्वाड्रेंगुलर स्पेस ये क्या होती है क्वाड्रेंगुलर होती है जो मिट पामर और थिनार थी वो हमारे पास क्या थी ट्राइंगर थी जो हमारे पास फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना है यहाँ पर प्रेजेंट होती है ये ग्रीन कलर में क्या है पेरोना स्पेस है और ब्लू में मैंने क्या बनाया है फ्लेक्जेराटी बुक में कोई ऐसी डायग्राम नहीं थी मैंने खुद से ड्रॉ किया है जस्ट इमेजिन करने के लिए ठीक है सो so, ये फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना किस शेप में होती है क्वाड्रेंगुलर स्पेस में होती है इसकी सिचुएशन का क्या है सिचुएटेड डीप इन दी लोअर पार्ट ऑफ़ द फोर आर्म एंड जस्ट अबव टू द रिस्ट रिस्ट के अबव है लेकिन लोअर पार्ट किसका आ रहा है फोर आर्म का अगर हम हाथ को उल्टा करके देखें तो क्या होगा ये लोअर पार्ट होगा फोर आर्म का और का क्या होगा अबव होगा ठीक है और ये किसके अभाव प्रेजेंट होती है हमारे पास जो प्रोनेटेड क्वाड्रेटस मसल है उसके अभाव होती है क्वाड्रेंगुलर स्पेस फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना अगर हम इसका सुपीरियर और इन्फीरियर देखें सुपीरियर क्या है अप अब टू तो अब्लिक मार्जिन ऑफ द फ्लैक् रेटीनाकुलम एंड एक्सटेंड्स इन्फीरियरली एक्सटेंड्स अप टू तो द फ्लैक्टीनाकुलम मीन जो फ्लैक् रेटिनाकुलम का एरिया है उसी को ही कवर करती है राउंड बाउट उसके एरिया में ही आ रही होती है ठीक है सुपीरियर एंड इन्फीरियर मार्जिन अगर हम इसकी कम्युनिकेशंस देखें इस स्पेस की तो ये कम्युनिकेट करती है विद मिड पामर स्पेस ये क्या है मिड पामर स्पेस है ठीक है ये क्या है डोर्सल्स स्पेस ये किसके साथ कम्युनिकेट करती है मिड पामर स्पेस के साथ उसके अलावा कम्युनिकेट करती है विद साइनोवियल शीथ ये क्या है साइनोवियल शीथ लिखा हुआ है साइनोवियल शीथ कहाँ होती है इस एरिया में प्रेजेंट होती है साइनोवियल शीत के साथ ही कम्युनिकेट करती है इसकी वजह से क्या है एक क्लिनिकल है क्लिनिकल में क्या है कि इट इज़ इन्फेक्टेड बाई दी इन्फेक्शन इन दी साइनोवियल शीत और दी अल्नर बरसा अगर हमारे पास साइनोवियल शीत या अल्नर बरसा में कोई इन्फेक्शन हो जाता है सो तो इसकी वजह से जो हमारे पास फोर आर्म स्पेस ऑफ पैरोना है यानी ये हैंड का फोर आर्म का जो पोर्शन है इस एरिया में क्या हो जाएगा हमारे पास पास आ जाएगी और इन्फेक्शन होगा ये था हमारे पास फोर आर्म स्पेस ऑफ पैरोना का क्लिनिकल अगर आप जो थिनार और मिड पामे स्पेस है ये वाली इनकी डिटेल मीन एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल मीडियल देखना चाहते हैं तो वो बुक में टेबल है बीडीसी जो बुक है उसमें टेबल है वैसे मैंने जो इंपॉर्टेंट uh, पॉइंट्स है शेप सिचुएशन प्रोक्सिमल डिस्टल वो बता दिया है इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग